माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था तो उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि केंद्रीय जल आयोग में ये प्रकरण लंबित है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी, जब ये केंद्रीय जल आयोग में जब ये प्रकरण आया तो ये विवादित होने के कारण इसको वापस कर दिया गया था। लेकिन शेखरपुर एवं डांड पानी के गूगल के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण करा के इसे कार्य कर दिया गया, तो इस हिसाब से तो शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जसपुर और अंबिकापुर के इलाके का बहुत महत्वपूर्ण योजना है और केवल सर्वे कराने से पैसे का दुरुपयोग जैसा आप प्रश्न कर रही हैं, मैं ऐसा समझता हूँ ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है। ये 17-18 से इसका सर्वे का निर्देश हुआ था, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी जारी हो गया है। मैनी और ईब नदी पर शेखरपुर और डांड पानी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं। एक में 38,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना है, दूसरे में 24,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना है। ये अगर महानदी ट्रिब्यूनल के विवाद डिस्प्यूट का अगर उड़ीसा के साथ नहीं होता तभी तक ये दोनों परियोजनाएं शुरू हो गई होती। और आपका मूल प्रश्न स्वाभाविक है कि CWC में भेजने के पहले सर्वे क्यों कराया गया, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पहले क्यों कराया गया, उसके लिए भी अनुमति लिया गया है और वहां से भी निर्देश हुआ था सर्वे कराकर DPR तैयार करके रखा जाए। जब तक ये ट्रिब्यूनल का जो डिस्प्यूट है उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी फैसला हो जाएगा और ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग शुरू कर पाएंगे। यही था सर कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और अगर इसका सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो इसके पैसे का दुरुपयोग होगा, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया था। आप पूछने देंगे, आप पूछ रहे हैं, हो गया हो गया। हाँ, कृष्ण मूर्ति पांडे जी। माननीय उपाध्यक्ष,